मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन रंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत महापुरुष गुरु अवतार पीर पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां, इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 85 होगा, 85। प्रभु जी ने मुझे एक बड़ा लंबा उत्तर दिया था, जो इससे पहले एक एपिसोड आया उसमें मैंने जिक्र किया, मेरा ख्याल 6 या 8 पेज का वो उत्तर था, और काफी चीजों से अवगत करवाया, और फिर काफी देर उनका कोई उत्तर नहीं आया। तो जब कोई उत्तर नहीं आया तो मुझे लगा जैसे उन्होंने कहा कि अब जा रहा हूं, उत्तर की प्रतीक्षा मत करना। और जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए थे, जो भी उनको उत्तर आते थे तो उनके मैं स्क्रीनशॉट्स लेता रहता था, लेकिन उन्होंने एक बार कहा कि ये नहीं रहेंगे, तुमने आज्ञा नहीं ली, तो वो सारे उड़ गए। करीब मेरा ख्याल 400-500 या 600 स्क्रीनशॉट थे, इतने पेजेस थे मतलब वो। तो अब फिर आगे लिखा था, ये मैंने जिक्र किया किसी वीडियो में कि अब चित्र ले, आज्ञा है, अब रहेंगे। तो मैंने काफी सारे चित्र लिए दोबारा से बैठ के, कई दिन तक मैं लगा रहा। तो मैं उदास था, एक तो उनका उत्तर नहीं आ रहा था, और एक घटना और घटी, जो भी मेरी कन्वर्सेशन उनके साथ हुई थी उनके सारे मेरे फोन में वो उत्तर थे मेरे पास, वो सारे उड़ गए, मतलब उन्होंने निकाल दिए। तो मुझे लगा कि जैसे वो वाइंड अप कर रहे हैं, अब वो नहीं आएंगे या मुझे उत्तर नहीं देंगे, जैसे कह रहे थे कि मेरे उत्तर की प्रतीक्षा मत करना, ये बार बार कहते रहते थे, अच्छा अब जा रहा हूं, मेरे उत्तर की प्रतीक्षा मत करना। तुम बड़ा समाओ, मैं अपने आप को समझाने की कोशिश तो करता था, लेकिन मन है, और जब ऐसी कोई उपलब्धि आपको हो, ऐसी शक्ति, ऐसी हस्ती, ईश्वर के दरबार से आई कोई शक्ति अदृश्य रूप में आपका मार्गदर्शन करे, आपके जीवन का कायाकल्प कर दे, और फिर अचानक, अच्छा आप उसको मिल भी ना पाए उस तरह से ये होता ना कि आप मिल लिए, बहुत देर बैठ के बातें कर ली, तो आपने उतना तप नहीं किया हुआ कि बैठ के, यानी मन की आंखों से, वो जो सूक्ष्म आंखें हैं आपकी शरीर की, उनसे आप उनके दर्शन कर लेते, देख लेते, आप वो भी नहीं कर पाए, आप उनको पहचानते भी नहीं। उनकी दया दृष्टि थी, ईश्वर की दया दृष्टि थी कि वो आए। तो पता नहीं, बड़ी अजीब सी मना स्थिति थी। तो मैं उदास था, लेटा हुआ था अंदर बेडरूम में। तो अब वो मुझे रूपा के माध्यम से संकेत देते थे, उनको तो सब दिख रहा था, सब सुन रहे थे, सब पता था। तो वो मुझे आके अक्सर, मतलब उसके जरिए मुझे कहते थे कि देखो शायद प्रभु जी का कोई उत्तर आया हो। तो मैं जैसे पुराने जमाने में जब चिट्ठी आती थी किसी की, तो लोग एक्साइटेड होते थे, चिट्ठी के लिए बड़े एक्साइटेड होते थे, तो मैं इस तरह से एक्साइट हो जाता था। लेकिन उस दिन मैंने कहा कहाँ उत्तर आएगा, तो कहने नहीं, देखो मुझे लगता आया होगा। और फिर उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि जब भी वो कहती थी कि उत्तर आया होगा देखो, तो वो प्रभु जी ही उनसे कहलवाते थे, क्योंकि जब भी उसने कहा और मैंने चेक किया तो उत्तर आया होता था। खैर, अब इसको कोई आदमी दूसरे ढंग से भी सोच सकता है लेकिन उसने ऐसे कहा, देखना, ऐसा मुझे आभास हुआ है। खैर, तो मैंने देखा तो उत्तर आया हुआ था। अब उसमें वो शुरुआत करते हैं, जैसे नॉर्मल उनका था, हरिओम बेटा। इतना उदास और विचलित नहीं होना है, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ हैं, दिल से, अंतरात्मा से उनको याद कर, साथ हैं। जब कभी भी तुझे मेरी याद आए, अब देखिए उनको मेरी स्टेट मालूम थी,
मैं उदास था, मुझे उनकी याद आ रही थी, मैं उनसे चर्चा करना चाहता था, उनका उत्तर चाहता था, एक एहसास चाहता था कि वो हैं हमारे साथ, बेशक अदृश्य रूप में हैं। तो उन्होंने जब भी, ये बड़ी कमाल की बात, उन्होंने अलग ही किस्म की बात की कि जब कभी भी तुझे मेरी याद आए, तेरा मन उदास हो, तो रूपा को कंठ लगा लिया करना। अब ये जिस तरह के निर्देश वो मुझे देते रहे, मैं उनको पढ़ के बहुत हैरान होता रहा। चित्रकार के लिए अगले पैराग्राफ उन्होंने लिखा, चित्रकार के लिए मैं, यानी चित्रकार फिल्म जो राइटिंग मेरी चल रही थी शहादत, तो चित्रकार के लिए मैं और मेरे रूप में रूपा तुम्हारे साथ हैं, किंतु उत्तर देना मुश्किल है, बहुत कठिन हो जाता है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। अभी उनको मालूम था कि मैं उदास उत्तर न आने की वजह से हूं। तो मैंने अक्सर यह कहा है कि जो दिमाग में मेरे चलता था थॉट प्रोसेस, उनको सब पता था। इसलिए मैं ये बार बार जिक्र करता हूं कि हमें विश्वास आए, हम लोगों को विश्वास नहीं है। खैर, तो अगले पैराग्राफ में लगा कि रूपा मेरे रूप में तुम्हारे साथ है। अब ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, उसके माध्यम से वो बात भी करते हैं, कई बार उन्होंने की है, लेकिन ये उन्होंने लिखित रूप में कहा कि मेरे रूप में रूपा तुम्हारे साथ है, उसे प्रातःकाल उठा दिया कर, अभी उसकी कमर में पीड़ा है, उसको काफी पेन था कमर में, कुछ दिक्कत चल रही थी, उसके लिए उसको वैद्य से औषधि दिला देना, दवा, औषधि मतलब, एक पहले भी एक बार मैंने एक एपिसोड में जिक्र किया है कि वैद्य के पास भेजा था और वाकई उसे थ्रोट की प्रॉब्लम थी, खांसी बहुत भयंकर थी, और वो ठीक हो गई थी, वो पुड़िया सी दी उसने, उससे ठीक हो गई। तो ये एक निर्देश दिया। फिर अगले पैराग्राफ में लिखा कि धन कुछ मिलेगा तुझे ईश्वर ने चाहा तो, रविश कुमार से एक बार बात कर ले। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया कि अगर आप नेक हैं और अगर आप बुरे हैं, दोनों स्थितियों में वहां आपका नाम दर्ज हो रहा है। अब मेरी मदद करने के लिए, उनको मालूम था मेरी क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, जो निघासन में हमारे करप्ट एसडीएम था, वो पैसे खा गया था, और भी अफसर उसने अपने साथ में नेचुरली उसने मिला लिए, वो करप्ट थे, तो वो गलत फैसले कर रहे थे, सरेआम ज्यादतियां कर रहे थे, उनको मालूम था। तो उस सिलसिले में फिर से उन्होंने मुझसे कहा कि रविश कुमार से एक बार बात कर ले। अब रविश कुमार का नाम लिख के आता था तो ये बहुत बड़ी प्राप्ति है रविश कुमार की, अगर वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, भला चाहते हैं देश का और लोगों का, और सत्य के लिए अपनी आवाज बुलंद करते हैं, तो उसका नाम ईश्वर के यहां दर्ज है। ये दूसरी या मेरा ख्याल तीसरी बार उसका नाम लिख के आया था। मेरी अपनी कमियां रही, मैं उनका बिगड़ा हुआ बच्चा हूं, या मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता हूं, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैंने एक ही बार उनसे संपर्क किया था, उन्होंने कहा था कि मिलना होगा, तब तक उस एसडीएम को वहां से ट्रांसफर हो गया, जब तक मैंने योजना बनाई मैं जाऊं मिलूं फिर उनसे बात करूं, तो वो रह गया मामला बीच में, मेरी कमजोरी की वजह से, कमी की वजह से। उसके बाद अगले पैराग्राफ उन्होंने लिखा कि एक बार पटियाला वाले से भी जाके बात कर, ये जो वस्तु थी हमारे दरबारी की, वो जो एंटीक की बात मैं कर रहा था, तो उसके लिए उन्होंने पहले मुझे इशारा किया था कि तेरे दिमाग में विचार ईश्वर ने दिया, उससे बात कर, ये एक रास्ता हो सकता है। तो कहने लगे कि वो पटियाला वाले से जाके एक बार बात कर, दरबारी को उसमें शामिल मत करना। अब इसका कारण रहा होगा कोई, गॉड नोज ही नोज, लेकिन कुछ कारण रहा होगा कि दरबारी को इसमें शामिल मत करना, रूपा को साथ ले जाना। ये तीन चार लाइनों का एक पैराग्राफ था। उसके बाद आगे अगले पैराग्राफ उन्होंने लिखा कि रूपा का स्नान गृह उससे पूछकर उसकी मर्जी से बनाना, उसका स्नान घर तुम्हारे मंदिर का दरवाजा उसके स्नान घर के सामने पड़ता है, जंगल पानी का वहां नहीं होना चाहिए, कोई और जगह देख ले, रूपा से पूछ कर ही बनाना।
अब ये मुझे बार बार कह चुकी थी कई बार, उसके बेडरूम का जो बाथरूम अटैच है वॉशरूम, तो उसमें कुछ तरमीम उसको करवानी थी। वो उसमें एक कारण ये भी था मंदिर का कि मंदिर का दरवाज़ा बिल्कुल उसके सामने खुलता था वॉशरूम के, तो उसको लगता था इसमें ये चेंजेस कर दो और मुझे इस तरह से ये चाहिए और मैं अनकंफर्टेबल हूँ। और एक बार किसी शक्ति ने, यहाँ हमारे यहीं सफ़ेद कपड़े थे, सफ़ेद बाल थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, हमारे जो वहाँ केयर टेकर है यूपी में, जो निघासन में हमारा आश्रम है गया प्रसाद, उसको दर्शन दिए थे रात को 2 बजे करीब या 2:30 बजे होंगे। तो उसने टाइम नोट नहीं किया लेकिन अर्ली मॉर्निंग अवर 2:30-3 का आसपास टाइम होगा। तो उन्होंने भी कहा था कि अपने गुरुजी से कहना, क्योंकि वो गुरुजी कहता है कि वो दरवाज़ा या तो बंद कर दें या कुछ और व्यवस्था करें। अब ये मैंने कनेक्ट किया, वो किस लिए उन्होंने कहा था, क्योंकि वहाँ मंदिर था, मंदिर के साथ में ही बाथरूम का दरवाज़ा आ जाता था, मंदिर के दरवाजे और बाथरूम का दरवाज़ा लगभग आमने सामने थे, जुड़े हुए थे। तो ये इन्होंने कहा कि उससे पूछ कर बता बनाना इसको, क्योंकि वो बार बार मुझे कहती रहती थी इस विषय में कि ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। अब ये एक शक्ति आपको गाइड कर रही है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को गाइड करता है, अब चाहे उसको आप वास्तु कहें, फेंगशू कहें, या उस कुदरत के अनुसार सब कुछ होना चाहिए, ये निर्देश देने की कोशिश कर रहे हूं हर तरह से। और मैं इसको इसलिए मानता हूं कि ये निर्देश वहां से आए और हर तरह से ये क्लियर हो गया, मतलब उसमें कोई संदेह नहीं रहा मुझे कि ईश्वर के दरबार से आई हुई एक अदृश्य शक्ति जो ईश्वर का ही अंश थी वो मुझे उत्तर दे रही थी। और उसने, उस शक्ति ने मेरी हर तरह से तसल्ली करवाई, मेरे सारे संदेह खत्म किए, तब जाके ये मामला आगे बढ़ना शुरू हुआ और मुझे विश्वास हुआ और मैंने सरेंडर किया और स्वीकार करना शुरू किया। इससे अगले पैराग्राफ में उन्होंने लिखा कि अब उठ, क्योंकि मैं अंदर लेटा हुआ था बेडरूम में, अपसेट था, अब उठ गुरुजी, ईश्वर के घर जा, पाठ जाप कर, वहां बैठकर वार्तालाप ईश्वर की आज्ञा से चले गए। अब उनको मालूम था कि मैं क्यों अपसेट था, कि वो सारी कन्वर्सेशन चली गई। तो कहने लगे कि वो ईश्वर की आज्ञा से वार्तालाप चले गए, लेकिन उनके चित्र तो तेरे पास हैं, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे, और जिनको तू अलग से निकाल के भी रख रहा है, मैं उनके प्रिंटआउट निकाल रहा था। अब ये कहीं ना कहीं उनको मालूम था मेरे अपसेट होने का कारण, कि वो चले गए तो इसका मतलब प्रभु जी अब नहीं आएंगे। अगले पैराग्राफ में एक, मैं अक्सर ये बात करता रहा हूं अपने करीबी मित्रों से, जैसे कुछ लोगों ने यहां पूछा था कि रूपा कौन है, तो मैंने उनसे जिक्र किया, क्योंकि हर आदमी को अपनी एक पोजीशन चाहिए होती है। ठीक है, आध्यात्मिक संसार में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो बहुत अच्छी अवस्था हासिल कर लेते हैं, ऊंची अवस्था हासिल कर लेते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो भौतिक संसार है, जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग हैं और वो मैटर करती हैं। तो कई बार इस तरह के प्रश्न उठे तो होता था कि इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। ईश्वर ने जो मुझे सुझाया, और जैसे कुछ लोगों ने पूछा कि ये कौन है, और मैंने कहा था कोई बात नहीं, पेशेंस रखें, आने वाले टाइम में आपको बताएंगे। तो ये मेरे अपने सवाल थे कि भाई जीवन क्षण भंगुर है और ये सिलसिला मैं चाहता हूँ कि ये चलता रहे मेरे जाने के बाद भी, तो कौन इसको आगे जारी रखेगा। मेरे बच्चों का इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, वाइफ का इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे ले दे के डॉक्टर रूपा ही नज़र आई, और तो अभी तक मुझे कोई नज़र नहीं आया जो इसको आगे कंटिन्यू करे मेरे बाद। ये एक कंसर्न था मेरा, ताकि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये लोगों तक पहुँचता रहे, अगर संसार ठीक ढंग से आगे चलता रहा तो। हालांकि परिस्थितियां विकट हैं, समय विकट आ गया और विकट आने वाला है, तो उनको ये मालूम था। तो उन्होंने अगले पैराग्राफ में लिखा कि रूपा की मां से बात करना, अगर तुझे उसे अपनी आध्यात्मिक वारिस बनाना है तो फिर
उसकी माता की आज्ञा से पूरे सम्मान के साथ उसे लेकर आना। चित्रकार समाप्त हो जाने के बाद मैं भी वहां तुम्हारे साथ उपस्थित रहूंगा। अब खुश हो? चलो उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ईश्वर तुम्हारा भला करें। हरिओम बेटा, ईश्वर भला करेंगे। ये करीब 2-2.25 पेज का एक मुझे उत्तर आया। तो मैं जब बार बार ये कहता हूं कि मेरा रोम रोम उनका ऋणी है, एक अदृश्य शक्ति, ईश्वर का अंश, जिसे मैं देख भी नहीं पाया, दर्शन भी नहीं कर पाया, बहुत इच्छा थी, अब भी है, लेकिन ये सिस्टम है। उनको हमारा प्रेम देख के कंसर्न तो है, क्योंकि प्रेम में तो बंधे हुए ईश्वर चले आते हैं। अब जैसे मैं बार बार कहता हूं कि इन एपिसोड्स का मकसद क्या है, मेरे साथ घटा, मैं इसको अपने तक रख सकता था, लेकिन मेरी इच्छा थी और वहां से आज्ञा मिली। ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि इससे और लोगों का भला हो, आप सबका भला हो, जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो देखते हैं ध्यान से, जिनके पास कम से कम इतना समय तो होता है कि वो ध्यान से बैठ के सुने। तो ये तो तय हो गया कि ये सारा हमारा पिछला हिसाब किताब है, हमारे कर्मों का, हमारे भाग्य का हमारा लेना देना है। लेकिन हम लोग इतने ज्यादा विचलित हैं, व्याकुल हैं, इस भौतिक संसार के मकड़ जाल में इतने उलझे और फंसे हुए हैं कि हम ये भूल जाते हैं। हम सतही लेवल पे तो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीपली उनकी गहराई में नहीं जा पाते। तो यहां ये जितने भी, मैं इनको चमत्कार ही मानता हूं, बल्कि मैं इसको, जैसे मैंने रब भगवान से मेरी बातें नहीं, रब भगवान के चमत्कार मानता हूं मैं, क्योंकि किसी अदृश्य शक्ति का ईश्वर के दरबार से आना, ईश्वर के अंश का, अदृश्य शक्ति का इस तरह से लिख के संदेश देना, और वो तमाम बातें जो मेरे जहन में हैं, जिनके बारे में सोचता हूं या चिंतित या विचलित हूं, उनको सब पता है, और मेरे तमाम सवालों के जवाब देके मेरे जीवन का कायाकल्प करना और कहना, जो मैं पहले एक वीडियो में कह चुका हूं कि मकसद तुम्हारा मार्गदर्शन करना, तुम्हें सही राह पे लाना था, जो हो चुका है, और सही मार्ग क्या, यह मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो यहां एक एक बात, डॉक्टर रूपा को रक्षा कवच क्यों कहा, क्योंकि उसके माध्यम से मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं, और जैसा मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से मुझसे बात कर लेना, तुम उदास हो तो उसको कंठ लगा लेना। ऐसा हुआ भी काफी पहले एक बार, अब ये मैं बयान नहीं कर सकता हूं फीलिंग, क्योंकि वहां पे ये फीलिंग रूपा की नहीं होती है, प्रभु जी की होती है, गुरुपिता ओंकारा जी महाराज की होती है। मैं तो पांव ही छूना चाहता हूं कि पांव पकड़ लेता हूं, घुटने पकड़ लिए, पांव पकड़ लिए, हालांकि वो मुझे नहीं पकड़ने देती हैं, लेकिन मैं पांव पकड़ता हूं, क्योंकि उस वक्त प्रभु जी विराजमान होते हैं और वो जवाब देते हैं। अब इस तरह की, इस लेवल की शक्ति, जो भी उन्होंने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे, सदैव तुम्हारे साथ हूं, ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ हैं, ये भी मुझे कहा एक दो बार उन्होंने कि तुझे संदेह है कि ईश्वर तेरे साथ नहीं है, फिर एग्जाम्पल्स दें, कदाचित तुझे संदेह है, तो यहां कहा उठ, चल उठ। एक पिता की तरह कि लेटा हुआ उदास, तो इस बात से परेशान है कि वार्तालाप चले गए ईश्वर की आज्ञा से, लेकिन चित्र तो तूने ले लिए और उनको निकाल के रख भी रहा है, और ये जो तेरे दिमाग में चल रहा है कि क्या करें क्या ना करें, मैं सोच रहा था कि गुरुजी से पूछेंगे, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज से पूछेंगे, तो कह लेंगे उसको सम्मान के साथ लेके आना, अगर आध्यात्मिक वारिस बनाना है, और मैं भी उपस्थित रहूंगा। तो हर पॉइंट पे, अगर वो बाथरूम वाला सिलसिला था, वहां मंदिर है, तो एक और शक्ति बता के गई, एक दो चीजें और उन्होंने बताई, यहां पर इस तरह की घटनाएं घटी, तो ये सब है। एक अदृश्य इस संसार से कहीं बड़ा संसार है हमारे इर्द गिर्द, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, उसके सामने नतमस्तक होना चाहिए, ईश्वर का नाम जपना चाहिए, जो मैं हर एपिसोड में कहता हूं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, सूनर द बेटर। ये जो लेड बैक एटीट्यूड है, जो लथार्जिक एटीट्यूड है हमारा, जो आलस्य है, इसको छोड़िए,
हमने बहुत समय गवा दिया। रात को रिपीट में लगा के सोइए, अपने धर्म स्थानों में जाके नाक रोड़ के माफी मांगिए, उसका धन्यवाद करिए, ग्रेटिट्यूड। हम वो सिलसिला शुरू करने वाले हैं जिन लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे उनका धन्यवाद करने के लिए, जिन्होंने मुझे नाम जपवाया उनका धन्यवाद करने के लिए, जिन्होंने मुझे हौसला दिया अपने कमेंट्स के जरिए कि मेरी मेहनत जाया नहीं जा रही है, लोग हैं उन पर असर हो रहा, उन्हें आनंद आ रहा, वो देखते हैं, वो इंतजार करते हैं, तो उनके धन्यवाद के लिए। तो ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद करना है हर चीज के लिए, उसका माफी मांगनी है, नाक रगड़ के माफी मांगनी है, सेवा करनी है, पाठ जाप करना, अपनी आवाज को सुनना है, वहां अगर हो रहा है तो उसे सुनना है, दया करनी है, पुण्यदान करना है, रात को रिपीट पर लगा के सोना है, दिन में कान में लगा के सुनना है, खुद पाठ जाप करें तो अपनी आवाज को सुनना, ये शुरुआत है। और पुण्यदान, दया जीवों पर, गौशाला में जाके पुण्यदान करना है, सेवा करनी है, और हर वक्त चलते फिरते उसका नाम अपने मन में दोहराना है, जिस भी नाम से आप उसे मानते हैं, यह आपका मन मानता है, निकट महसूस करता है, ये करते रहें, ये शुरुआत है। सुनना, रात को रिपीट पे लगा के सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, अचेतन सुनता है, 6-7 घंटे सुनेगा, सोए सोए आपको बहुत लाभ होगा। sickfilm.com पे जाके डाउनलोड्स में से आप ये सर्व रोग का औखद नाम विद मीनिंग इन हिंदी, विद मीनिंग इन पंजाबी और विदाउट मीनिंग डाउनलोड कर सकते हैं। धन गुरु नानक ग्रुप है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, या हम हर जगह पिन किया होता हमारा मैसेज कि ये हमारा ग्रुप है, स्पिरिचुअल ग्रुप है, इसका लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ब्राउजर दिखाएगा, क्रोम वगैरह और गूगल क्रोम ये सब, तो गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको टेलीग्राम दिखाएगा, व्हाट्सअप दिखाएगा, तो टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे तो आप उस ग्रुप का हिस्सा हो जाएंगे विद इन नो टाइम, सेकेंड्स का काम है ये, अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड कर रखा है तो उस ग्रुप से जुड़िए, वो डायरेक्ट टू वे ट्रैफिक है, उसमें हम करीब 6 से 6:30 रोज शाम को दुनिया भर में हिंदुस्तान टाइम के मुताबिक सब लोग बैठ के ध्यान लगाते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, पूरब का मुंह करके बैठते हैं, नीचे कुछ बिछाना, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, और वाहिगुरु वाहिगुरु हरि ओम तत्सत अल्लाह अकबर प्रेज द लॉर्ड गॉड इज ग्रेट, जो भी नाम आपको अच्छा लगता हो उसका मूल मंत्र है, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु है, आंखें मंदिर के जपें और सुने, ध्यान अपनी साउंड पर रखें, ये शुरुआत है, आधा घंटा फिर प्रेयर करें सारी मानवता के भले के लिए, ईश्वर का धन्यवाद करें कि आपने नाम जपाया, उसकी भक्ति मांगे, उसका नाम दान कि हमें अपना नाम दान दें, और आपका धन्यवाद आपने जपाया, और सुरक्षा कवच दो जिन लोगों ने आपका नाम जपा, आने वाले टाइम में जो बहुत भयानक टाइम है, ईश्वर का नाम ही हमारा सुरक्षा कवच है, वही हमारी रक्षा करेगा, और हमारी रक्षा कोई कर नहीं पाएगा, आपको भय कम लगेगा, भय होगा ही नहीं। और सवेरे 3 से 6 के बीच का टाइम है, 4 से 5 अति उत्तम है, 1 घंटा तो जरूर बैठें, उसका बहुत लाभ है। ये जो हम दिन में जपेंगे उसमें अगर तुलना करें आप और सवेरे वाला जो आप करेंगे उसका कंपैरेटिव बहुत ज्यादा लाभ है। तो हम तो लालची लोग हैं, मतलबी लोग हैं, तो सवेरे कर लो ना 1 घंटा, उसका बहुत ज्यादा लाभ है। जपना है और सुनना है, ये शुरुआत के लिए है, उसके बाद सूरत जपेगी, ये अगली स्टेज है, उसके बारे में तमाम वीडियोस हमने डाले हुए हैं हमारे चैनल पे, आप देखिए वीडियो, जितने ज्यादा देख सकते हैं आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मित्रों की बात पकड़ में आई और वो इसका अनुसरण करके इसे भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत गुरु महापुरुष अवतार पीर पैगंबर और प्रॉफिट साहबान। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।